समीना, मेरी अक्सा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताओ ना। अब तो माशाल्लाह से उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। बस तुम देखो, तुम तो बहुत सारे लोगों को जानती हो ना, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ना इस फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम एक काम करो, मुझे अक्सा की एक दो तस्वीरें दे दो। मेरे पास अच्छे रिश्ते हैं, मैं देखती हूँ, मैं रिश्ते वालों को तस्वीरें दिखाऊंगी, आगे चल अल्लाह की मर्जी। अच्छा मामा, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, हो सकता है आज थोड़ी देर हो जाए, कुछ असाइनमेंट सबमिट करने। बेटा सुनो, अपनी समीना आंटी को ना दो तीन अच्छी अच्छी तस्वीरें व्हाट्सएप करता हूँ। चले मैं कर दूंगी। अरे क्या मतलब है कर दूंगी, अभी कर दो ना, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ और तुम भूल जाती हो। चलो शाबाश। कर दूंगी, कह तो रही हूँ, देर हो रही है मुझे। अरे मेरी जान, टाइम ही कितना लगता है, दो मिनट की तो बात है। चलो शाबाश, कर दो जल्दी। देखिए खाला, मैंने आपको कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप की, आप देख लें। अरे देखो, अरे ये सारी तस्वीरें तो स्कार्फ में हैं, मुझे ऐसी तस्वीरें नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, बाल खोल के अच्छे से तैयार होकर दो चार तस्वीरें बना लो, फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना। देखो ना बेटा, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, और जब तुम खोल के रखती होगी तो बहुत ही प्यारी लगती होगी। खाला मैं हिजाब करती हूँ, और मैं बिना हिजाब के किसी को भी तस्वीर नहीं भेजूंगी। जिसको मुझे कबूल करना है वो वैसे ही करे जैसी मैं हूँ, वरना ना करे। बहनाज समझाओ अपनी बेटी को, अरे इस तरह अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। माशाल्लाह इतनी प्यारी और खूबसूरत है, ढंग की दो चार तस्वीरें भेजेगी ना तो कोई भी इसे पसंद कर लेगा। आगे तुम्हारी मर्जी है। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए, वक्त का पता भी नहीं चला। बिल्कुल, मुझे तो ये वक्त बहुत याद आएगा। और मुझे तुम बहुत याद आओ। बस रहने दो, आ गई मैं याद। जितना तुमने मुझे इन 4 सालों में तंग किया है ना, शायद ही किसी ने किया। शामी ठीक तो कह रही है अक्सा, तुम अपने सारे काम अक्सा से ही तो करवाते थे। तुम्हें कोई असाइनमेंट बनवाना हो, तुम्हारा कोई लेक्चर मिस हो जाए, या कोई प्रोजेक्ट बनवाना हो, हर चीज में तो तुमने अक्सा की जान खाई है। लेकिन फाइनली अब मेरी इन सारे कामों से जान छूट जाएगी। अरे ऐसे कैसे जान छूट जाएगी, यूनिवर्सिटी खत्म हुई है हमारी, दोस्ती थोड़ी खत्म हुई है। अच्छा अब अपने घर का एड्रेस तो दो। क्यों? क्योंकि मैं और मुस्कान तुम्हारे घर पे आएंगे ना तुमसे मिलने के लिए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे घर आने की, और वैसे भी मुस्कान को मेरे घर का एड्रेस पता है। वाह अक्सा, अजीब बात कर रही हो तुम, मेहमानों के आने पे तो लोग खुश होते हैं, तुम ओके ये कर रही हो। मुझे अपने घर में तुम जैसे मेहमान चाहिए भी नहीं शामिल। अच्छा भाई अब तो लड़ना बंद करो, तुम दोनों ने पूरे 4 साल लड़ते लड़ते गुजार दिए। अरे मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, सही लड़ती है मुझसे यार। चलो चाय पीते हैं। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है बेटा, समीना आपा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम्हें अपने आप को बदलना चाहिए। अरे आजकल की लड़कियों को देखो किस तरह से तैयार रहती हैं। और बेटा इसमें हर्ज ही क्या है, अब एक बात बताओ, जब मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? अम्मा आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं एक अच्छी चीज फॉलो कर रही हूँ, और पर्दे का हुक्म तो हमारे हमारे मजहब में भी है। अरे बेटा मैं तुम्हें पर्दा करने से कब मना कर रही हूँ, ठीक है आने जाने में चादर पहन लो, स्कार्फ ले लो, लेकिन शादी ब्याह में इतना तो चलता है ना। हाँ मामा, शादी ब्याह में भी नामहरम होते हैं, वहाँ पे गुना और सवाब का मायार बदल नहीं जाता, गुना गुना ही रहता है। हमें सिर्फ अल्लाह की रजा का ख्याल रखना चाहिए, शरीयत ने हमें जिन चीजों पे पाबंद किया है वो हमारी ही बेहतरी के लिए है। अब तुम ऐसी बातें कर देती हो बेटा कभी कभी कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। आप बस टेंशन लेना छोड़ दें मामा, इस तरह परेशान होना छोड़ दें। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में कोई अच्छा रिश्ता लिखा होगा तो मुझे जरूर मिलेगा, इसका मेरे पर्दे से कोई ताल्लुक नहीं।
अम्मी वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये अक्सा है जिनका मैं आपको बता रहा था। अच्छा, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी अक्सा? जी आंटी अंदर आए। कौन है बेटा? वालेकुम अस्सलाम। आंटी हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मामा ये शामिर है, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और ये शामिर की वालिदा। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। कि सब क्या है शामिल? तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? मैंने तुम्हारा एड्रेस भी ढूंढ लिया और तुम्हारे घर पे भी खड़ा हूँ। आने से पहले कॉल तो करते थे यार, ताकि तुम मुझे मना कर देती, है ना? चलो अंदर चलो, दरवाजा बंद कर। चलो। शामिर अक्सर अक्सा का जिक्र करता था मुझसे, तो मैंने उसे कहा कि भाई जिसका जिक्र तुम करते हो इतने शौक से, तो मुझे मिलवा कर भी लाओ। बस इसीलिए हम आज यहाँ आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने इसकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत साबिर है और बहुत ही नेक बच्ची है। इसने जिंदगी में ना मुझे कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं किया। बहुत सब्र वाली है ये। मुझे अपने शामिर के लिए ऐसी ही दुल्हन चाहिए। आज मेरे यहाँ आने का खास मकसद भी यही था कि मैं आपसे शामिर और अक्सा के रिश्ते के लिए बात करूं। मुझे शामिर की पसंद पर कोई एतराज नहीं है। हम बकायदा आपसे रिश्ता मांगने आएंगे बाद में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड शहर में नहीं थे, तो जब वो आ जाएंगे तो हम आएंगे। जब तक आप वक्त ले लें, थोड़ा सा सोच लें, ज़ाहिर है बेटी का मामला है। आप कुछ लीजिए ना। जी मैं लेती हूँ, थैंक यू। अक्सा, या अल्लाह, बड़ी गर्मी थी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। तुम्हें पता है भाईजान ने ना जब तुम्हारे रिश्ते का सुना और तुम्हारे ससुर का नाम सुना ना, अरे वो तो हैरान ही रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े घर से तुम्हारा रिश्ता आया। भाजन बता रहे थे कि जो अकमल साहब है ना तुम्हारे ससुर, उनका बहुत बड़ा नाम है बिजनेस में, और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, उसके तो बादशाह हैं वो। हैरान हो गए थे भाईजान कि इतने बड़े घर से तुम्हारा रिश्ता आया। और पता है समीना कह रही थी कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी को घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। शुक्र है मालिक का। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि शामिर की अम्मी से बात करती हूँ और तुम्हारी मंगनी की तारीख तय कर लूँ। मैंने आपसे कहा था ना मामा, अल्लाह पर भरोसा रखे। और देखिए, इंसान जब अपने रब पर भरोसा रखता है तो उसके लिए सब बेहतर ही होता है, क्योंकि हमारा रब हमारी माँ से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है। बेशक, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा शामिर का नंबर है ना तुम्हारे पास, तो जरा मुझे मिला के दो ना, मैं उसकी अम्मी से बात करना चाह रही हूँ। मैं फोन लगाती हूँ। शुक्र है मेरे मालिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई हमारे घर पर। आपने खामखा तकल्लुफ किया इस दावत का। अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये खास दावत का अहतमाम अक्सा के लिए किया है। इसने हमारे घर में ही आना है तो अच्छा है ना, जरा देख लें। आए ना प्लीज, आए, चल आए जी, आए आए ना प्लीज। दरअसल शामीर की फुप्पो और खाला अक्सा से मिलना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं उन्हें भी आज बुला लूं, अच्छा है सबकी मुलाकात हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए ना, उन लोगों को किसी दिन हमारे घर भी ले आइए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अब तो इंशाल्लाह रिश्तेदारी हो जाएगी तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। मैं ये सोच रही थी महनाज के आज आप आ ही गई हैं तो क्यों ना हम मंगनी के बारे में कुछ बात तय कर लें, कोई दिन तय कर लें। जी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी कि क्यों ना हम मंगनी की छोटी सी रस्म कर लें। अरे छोटी सी क्यों, शामीर मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो बहुत धूमधाम से इसकी मंगनी करूंगी। इंशाल्लाह जैसे आपकी मर्जी। और वैसे भी अब तो अक्सा मेरे पास आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। थैंक यू सो मच। अगर आप माइंड ना करें तो शामीर अक्सा को घर का विजिट करा दे। जी जी क्यों नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। अक्सा जाओ। शामी जाओ बेटा। चाय। तुमने क्यों सहमत की, मैं उधर ही आकर चाय पी लेती। नहीं नहीं, अगर तुम वहां आ जाती तो हम आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते। अक्सर एक्चुअली मम्मी बहुत एक्साइटेड है, उन्होंने तो मंगनी की शॉपिंग अभी से शुरू कर दी, हमेशा मुझसे पूछ रही होती हैं अक्सर वो क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। आंटी से कहो उन्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जो लाएंगी मुझे अच्छा लगेगा और उन्हें इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहूं तुमसे, तुम ना ये स्कार्फ मत लिया करो, तुम्हारी सारी खूबसूरती छुप जाती है, मुझसे पूछो तो मुझे नहीं पसंद तुम्हारा स्कार्फ लेना। अक्सा तुम जानती हो ना कि हम थोड़े आजाद ख्याल लोग हैं, मैं नहीं चाहता तुम इस तरह की पाबंदियों में पड़ो। मैं शुरू से ही स्कार्फ लेती हूँ शामिल, और मुझे अच्छा लगता है। ठीक है अक्सा, पहले तुम जो करती थी तुम करती थी, लेकिन अब हमारी शादी होने वाली और मैं चाहता हूं मेरी ख्वाहिशात का ख्याल तुम रखो। अक्सा देखो, हर इंसान चाहता है कि उसकी बीवी उस तरह नजर आए जैसे वो चाहता है। मैं चाहता हूं तुम अब अपनी आदत बदल, और स्काफ़ लेना छोड़ दो। हमारे दीन में आसानी जरूर है शामिल, लेकिन मनमानी नहीं। शामिर का घर तो वाकई बहुत आलीशान था। अरे उनका ड्राइंग रूम देखा था, कितना खूबसूरत था।
अरे वो डेकोरेशन पीसेस, हाँ, कालीन, सोफे, एक से बढ़कर एक चीज थी। और वो जो उनका लाउंज था ना, अरे भाई कमाल था, क्या कहने। और तुम्हारी सास ने ना मुझे वो कमरा दिखाया था जो शादी के बाद वो तुम्हें देंगी। अरे इतना खूबसूरत और इतना कुशादा कमरा है कि बस मैं क्या बताऊं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हारा इतने बड़े घर से रिश्ता आया। अच्छा अक्सा, मैं ये सोच रही थी कि इस बार जब मैं जाऊंगी ना शामिर के घर, तो तुम्हारे मामू और मुमानी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, ताकि वो लोग भी तो देखे ना कि कितने बड़े घर का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। क्या बात है, अरे कुछ तो बोलो, तुम ऐसे गुमसुम और चुपचाप बैठी हो। और हाँ, तुम्हारी मंगनी की ना बस मैं अभी से शॉपिंग शुरू कर दूंगी। देखो तुम्हारी सास ने जो तुम्हारे लिए चीजें खरीदी है ना मंगनी की, भाई उनकी हैसियत के मुताबिक तो मैं शॉपिंग करने से रही, लेकिन हाँ मैं शामिर के लिए ना ये आम शाम जो दुकानें होती है ना वहां से कुछ नहीं लूंगी, बड़े मॉल जाऊंगी और अच्छी ब्रांड की चीजें खरीदूंगी मैं उसके लिए। अक्सा, अरे कुछ तो बोलो, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं दीवारों से बातें कर रही हूं। अरे बेटा कम से कम हाँ ना का ही जवाब दे दो। मैं क्या कहूँ मामा, आपको जो करना है आप करें। क्या बात है बेटा, कोई बात हुई है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, थक गई हूँ, शायद आराम करूंगी। जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। यह ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और ना सताई जाए। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? क्या ये क्या कह रही हैं आप? देखिए आप परेशान मत हो, मैं अक्सा से ना खुद बात करूंगी। अरे वो तो बच्ची है, नादान है, बेवकूफ़ी में उसने कह दिया होगा। मैंने कहा ना आपसे, मैं बात करूंगी उसे, मैं समझा दूंगी। जी जी बस आप बिल्कुल परेशान मत हो। जी जी बात करती हूँ मैं उससे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अक्सा, अक्सा क्या हुआ मामा? तुम्हारा शामिर से झगड़ा हुआ है क्या? ये बात आपको किसने बताई है? तुम्हारी सास का फोन आया था, बहुत नाराज हो रही थी वो। देखो अक्सा, अरे बेटा खुद को बदलो तुम। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसे अपने आप को ससुराल के मुताबिक ढालना पड़ता है। अगर शामिर को तुम्हारा स्कार्फ लेना नहीं पसंद है तो उतार दो बेटा इस हिजाब को। देखो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा बेटा। मामा, इंसान खुद को तब बदलता है जब वो कुछ गलत कर रहा। जब मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ तो खुद को क्यों बदलूं? और आपको तो मुझे समझाने के बजाय शामिर और उसकी वालदा को समझाना चाहिए। अक्सा कुछ बातें ना इंसान मौका महल देख के भी करता है। हाँ देखो शादी हो जाएगी तो कम से कम अपने आप को ससुराल के मुताबिक ढालो, ठीक है? बाद में तुम शामिर को समझा लेना ना, और हो सकता है बेटा वो तुम्हारी बात मान जाए बाद में, लेकिन अभी तो इनकार मत करो। नहीं मामा, मैंने शामिर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रहा। और शादी के बाद की क्या गारंटी है? आप उसे साफ साफ कह दें कि अगर उसे मेरे हिजाब करने से मसला है तो मुझसे ना करे शादी। मेरा रब बहुत कारसाज है, उसकी वजह से
मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियों की शादियां हो गई, एक निदा रह गई थी, आज वो भी रुखसत होके अपने ससुराल चली गई। आपा बता रही थी कि निदा के ससुराल वालों ने ना उसे हमाद की शादी में पसंद किया था, और निदा हमाद की शादी में ना पार्लर गई थी तैयार होने के लिए, और उस मेकअप ने ना उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। उसके बाल कितने खूबसूरत थे। बस फिर क्या था, उसके ससुराल वालों ने उसका रिश्ता भेजा, और देखो आज वो ब्याह के अपने ससुराल की हो गई। अगर तुमने शामिर की बात मान ली होती ना बेटा, और इस तरह से जिद ना की होती, तो आज को तुम भी अपने ससुराल में खुश रहती। मामा, खत्म कर देना ये सारी बातें। इंसान के नसीब में जो होता है उसे मिलता है, और मुझे यकीन है अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो भी मुझे जरूर मिलेगा। आप परेशान क्यों होती हैं? लड़कियों की उम्र गुजर जाए ना बेटा, तो फिर उनके रिश्ते नहीं मिलते। मैं माँ हूँ तुम्हारी, परेशान होती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने इतने लोगों से कहा है तुम्हारे रिश्ते के बारे में, लेकिन अब तो कोई ढंग के रिश्ते भी नहीं लेकर आता। तुम्हारे बारे में रातों को सोचती रहती हूँ, मेरी तो नींदें हराम होके रह गई है बेटा। अच्छा बताएं, चाय पियेंगे आप? रहने दो, मुझे नहीं पीनी। मुझे पता है आपको चाय पीनी। अभी चाय पियेंगी ना, सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, परेशान ना हुआ करें। बेनाज, मैंने तो हमजा से कह दिया कि मैं अब दुबई वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि मुस्तकिल तौर पे यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, और वैसे भी दुबई में था कौन तुम्हारा? तुम तो बिल्कुल अकेली थी वहां पर। भाई तुम्हारा मैका और ससुराल दोनों तो यहाँ पर है। अच्छी बात है जो वापस आ जाओगी। तो मैंने तो अनस से भी यही कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके अपना बिजनेस वाइंड अप करें और यहाँ शिफ्ट हो जाए। अरे मामा, इतना बड़ा बिजनेस है, पाकिस्तान शिफ्ट करने में कुछ तो टाइम लगेगा। भाई अनस, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। भाई मैंने साफ कह दिया, मेरा वहां दिल नहीं लगता। अच्छा मामा, जैसे आपकी मर्जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तुम्हारी बेटी है ना? हाँ माशाल्लाह। अरे कितनी बड़ी हो गई। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं आई थी तो 7th या 8th क्लास में थी। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। भाई तुम आई भी तो इतने सालों के बाद हो ना। क्या मसरूफियात है बेटा तुम्हारी? कुछ खास नहीं आंटी, बस मास्टर्स कंप्लीट हुआ है मेरा, तो अब बच्चों को घर पे ट्यूशन देती हूँ। बेटा इतनी गर्मी में तुमने हिजाब क्यों पहना हुआ है? माशाल्लाह से मेरी बेटी हमेशा से हिजाब करती है, कहीं शादी में भी जाना हो ना तो ये अपना सर ढक कर ही जाती है, अब तो इसकी आदत बन गई है। महनाज, दरअसल मैं अपने अनस के लिए भी एक लड़की तलाश कर रही थी जो ऐसी ही नेक सीरत और खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारी अक्सा बहुत पसंद आई है। असल में अनस भी यही चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी बापर्दा हो। क्या तुम अपनी बेटी के लिए अनस का रिश्ता कबूल करोगी?